नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, देखते हैं कुछ मेन पॉइंट्स इसके बारे में। तो जो हम पढ़ने वाले हैं आज, जानेंगे पहले व्हाट इज़ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और इनमें ये पॉइंट्स हैं जो हमें आज पढ़ने हैं, ठीक है। तो पहली बात इसमें समझने की ये है भाई, आईएलओ जो बनाया गया था वो कब एस्टेब्लिश हुआ था, 1919 में, ठीक है। ये ईयर आपको याद रखना है क्योंकि 100 साल पूरे हो गए थे 2019 में इसको बनाए हुए, ठीक है। तो 1919 में ये जो संस्था है ये एस्टेब्लिश की गई थी, ठीक है दोस्तों। तो पहला तो हम समझते हैं कि ये कि व्हाट इज़ ये जो है आईएलओ, आईएलओ जो बेस्ड है वो बेस्ड है ट्राई पार्टाइट प्रिंसिपल्स के ऊपर। इसका मतलब ये होता है कि जो है जो यहाँ पर इस संस्था के अंदर जो डिसीजन लिया जाएगा या जो भी फंक्शंस परफॉर्म होंगे उसमें 3 मेंबर्स का इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो वो 3 मेंबर्स कौन है, पहला है गवर्नमेंट, दूसरा है ट्रेड यूनियंस और तीसरा है मेंबर स्टेट एम्प्लॉयर्स, ठीक है। मतलब जो भी मेंबर्स हैं आईएलओ के अंदर इस समय अराउंड 183 मेंबर्स आईएलओ में हैं, ठीक है। तो 183 मेंबर्स के अंदर जो एम्प्लॉयर्स हैं जो जॉब देते हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव भी जो है इस संस्था के मेंबर्स होते हैं, प्लस ट्रेड यूनियंस के जो रिप्रेजेंटेटिव वो भी इस संस्था के मेंबर्स होते हैं, और गवर्नमेंट जो है वो भी यहाँ मेंबर होती है। तो जो भी नेगोशिएशन होनी है इस संस्था के अंदर, ठीक है, वो इन तीनों के आपसी सहमति से ही होती है। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्राई पार्टाइट प्रिंसिपल, ठीक है दोस्तों। तो एक तो ये बेस्ड है ट्राई पार्टाइट प्रिंसिपल पे। ये जो आईएलओ का जो मतलब आया, ठीक है, वो क्यों आया, कैसे आया, वो जान लेते हैं। ये आया आईएलओ जो स्थापना हुई संस्था की, ये ट्रीटी ऑफ वर्सलीस के बाद हुई थी। ये ट्रीटी ऑफ वर्सलीस कब हुई थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये ट्रीटी हुई थी। जैसा कि आप जानते हो कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ पूरे वर्ल्ड को, ठीक है, और पहली बार लगा देशों को कि देखिए हाँ भाई हमने कितना बड़ा ब्लंडर कर दिया है ये बेवजह का युद्ध करके। तो जिससे पूरे वर्ल्ड में पीस और स्टेबिलिटी एस्टेब्लिश हो, इसके लिए जो पावर्स थी बड़ी बड़ी, यूएस, यूके, फ्रांस, ये साथ में आई और इन्होंने वर्सायली की ट्रीटी करी। और इससे जो है उन्होंने स्थापना करी किसकी, लीग ऑफ नेशंस की। किसकी स्थापना हुई, लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस ही आगे चल के यूएन बनता है, और लीग ऑफ नेशंस के अंडर में ही जो है आईएलओ की स्थापना होती है। आईएलओ का फाउंडिंग मेंबर है इंडिया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ वर्सली क्यों हुई थी ये मैंने बता दिया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो मेन मेन फंक्शंस है वो जान लेते हैं कि आखिर जो फंक्शंस हैं वो क्या हैं। तो इसके जो मेन फंक्शंस हैं वो है, पहला कोऑर्डिनेट पॉलिसी एंड प्रोग्राम, ठीक है। दूसरा जो मेन फंक्शन है वो क्या है, अडॉप्शन ऑफ इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड। थर्ड फंक्शन इज असिस्टेंस टू मेंबर्स। फोर्थ इज ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एंड फिफ्थ इज रिसर्च एंड पब्लिकेशन, ठीक है दोस्तों। तो ये जो मेन फंक्शंस हैं इसके, भाई जो भी पॉलिसी बनेगी आईएलओ के अंदर, ठीक है, उसे सभी मेंबर स्टेट्स को जो है कोऑर्डिनेट करना, बताना प्रोग्राम के बारे में, ये मेन काम है। इसके अलावा जो भी इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स हैं उनको अडॉप्ट करना, जिससे कि पूरे वर्ल्ड में एक कॉमन लॉ या एक कॉमन फ्रेमवर्क बनाया जाए लेबर से रिलेटेड, और हर कंट्री उसको फॉलो करे, ठीक, जिससे कि जो है जो लेबर का वेलफेयर है वो इंश्योर किया जा सके। इसके अलावा जो मेंबर स्टेट्स हैं अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम आ रही है रिगार्डिंग लेबर और सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने से रिलेटेड लेबर्स को, तो उनको असिस्टेंस देना। इसके अलावा जो लेबर वर्क कर रही है इन मेंबर स्टेट्स में उन्हें कोई प्रॉब्लम है एम्प्लॉयर से, उनके ह्यूमन राइट्स वायलेट होते हैं, तो भी जो है ये संस्था वर्क करती है, हेल्प करती है। इसके अलावा जो लेबर प्रैक्टिसेस हैं उन्हें कैसे इम्प्रूव किया जा सके, ठीक है, मैक्सिमम वेलफेयर कैसे इंश्योर हो तो लेबर्स का, जिससे कि जो एम्प्लॉयर्स हैं और जो एम्प्लॉयर्स हैं दोनों को नुकसान ना हो, ठीक है, दोनों को दोनों मतलब जो है विन विन सिचुएशन में रहें। इसके लिए रिसर्च करना और पब्लिश करना बुक्स को या जर्नल को, ये भी काम होता है आईएलओ का, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब देख लेते हैं आईएलओ डिक्लेरेशन, मतलब जो अपने इस पूरे जर्नी में जो 100 साल हो गए हैं, तो डिफरेंट डिक्लेरेशन आईएलओ ने करे, ठीक है ना, अपने वक्त के दौरान। तो वो कौन कौन से डिक्लेरेशन थे वो देख लेते हैं दोस्तों। आईएलओ ने अब तक जो है 8 फंडामेंटल डिक्लेरेशन किए हैं, ये प्रिंसिपल्स जो हैं ये वही हैं, 8, 87, 98, 29, 105, 138, 182, 100, 111। ये 8 आप कह सकते हो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, जो हर मेंबर स्टेट्स को दिए गए हैं, और हर मेंबर स्टेट्स को मतलब जो है ये रूल्स कह सकते हैं या प्रिंसिपल्स मानने ज़रूरी होते हैं, ठीक है। तो उसमें जो है हम जान लेते हैं, ये जो 8 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स थे इनको इन्होंने जो है 4 कैटेगरी में डिवाइड किया। पहली कैटेगरी है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग, ठीक है, ये कन्वेंशन कहलाता है 87 एंड 98, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग। दूसरा जो है दैट इज़ एलिमिनेट फोर्स्ड एंड कंपल्सरी लेबर, वो आता है 29 और 105 कन्वेंशन के तहत। उसके बाद है चाइल्ड लेबर एंड अबॉलिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, ये आता है 138 एंड 182 के तहत। और उसके बाद है एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ऑक्यूपेशन, वो आता है 100 और 111, ठीक है। ये मतलब जो डिक्लेरेशन है आईएलओ का, उसने डिक्लेयर किया कि भाई हमने ये 8 प्रिंसिपल्स डेवलप किए हैं, ठीक है, जिसको हमने 4 कैटेगरी में बांटा है, और हर कंट्री को इसको फॉलो करना ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। अब देख लेते हैं जो मेन कोर कन्वेंशन है 8, वो कौन कौन से हैं। भाई पहला है फोर्स्ड लेबर, जो कन्वेंशन 29 कहलाता है, ठीक है, फोर्स्ड लेबर उसको बोलते हैं 29th कन्वेंशन। उसके बाद है अबॉलिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर 105 के अंदर आता है। फिर नेक्स्ट इज इक्वल रिम्यूनरेशन, मतलब कि जो सैलरी है वो चाहे वुमेन है और चाहे मैन है, सबको बराबर मिलनी चाहिए, तो दैट इज़ कम्स अंडर 100। उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन 111, 111, ठीक है। इसके बाद है दोस्तों मिनिमम एज क्या होनी चाहिए जॉब करने की, तो वो आता है 138 के अंदर, ठीक है। इसके बाद जो है वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर, वो आता है 182 के अंदर। नेक्स्ट इज फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये आता है 87 के अंदर। और राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग, ये आता है 98 के अंदर, ठीक है। तो ये 8 कन्वेंशन है, एग्जाम में पूछ लेते हैं कि बताओ इक्वल रिम्यूनरेशन कन्वेंशन कौन से नंबर की है, पूछेंगे इन 8 के बारे में ही। तो आपको ये 8 अच्छे से याद करने हैं। इंडिया ने दोस्तों इसमें से जो पहले 6 हैं वो रेटिफाई कर रखे हैं, ठीक है, मतलब कि जो इंडिया में रूल्स बनते हैं लेबर से रिलेटेड, वो इन 6 को ध्यान में रखते हुए बनते हैं। जो लास्ट के 2 हैं वो इंडिया ने रेटिफाई अभी नहीं किए हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि इंडिया ने जो कौन कौन से इसमें से कन्वेंशन रेटिफाई किए हैं, कौन से नहीं किए हैं। तो पहले 6 जो है वो कन्वेंशन इंडिया ने भी रेटिफाई कर रखे हैं, फोर्स्ड लेबर वाला 29, 105, 100, 111, 138 एंड 182, ये इंडिया ने रेटिफाई कर रखे हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसमें जो है हमने जो पढ़ा वो देख लेते हैं भाई। आईएलओ के बारे में पढ़ा हमने, ठीक है, ये जो बॉडी है क्यों एस्टेब्लिश की गई, इसका क्या मेन फंक्शन है, इट इज़ अ ट्राई पार्टाइट यूएन एजेंसी, ठीक है, ट्रीटी ऑफ वर्सली के तहत ये एस्टेब्लिश हुई थी। एक बात इसमें रह गई कि जो है इसको नोबल पीस प्राइज़ भी मिला हुआ है 1969 में। इसको नोबल पीस प्राइज मिला था, क्यों मिला था, क्योंकि इसने जो है डिफरेंट क्लासेस जो थी, चाहे वो आपकी बर्गीज क्लास हो, चाहे वो आपका जो है एम्प्लॉयर्स हो या वर्कर्स हो, उनके बीच में पीस एस्टेब्लिश की थी, इम्प्रूव किया था उनके बीच में जो रिलेशन है, कि हाँ जो काम करने का तरीका है वो ठीक से इम्प्रूव हो। इसके अलावा डिसेंट वर्क और जस्टिस मिले वर्कर को, ये इंश्योर किया था, और जो नेशंस हैं उनको टेक्निकल असिस्टेंस मिले, इन सब चीज़ों के लिए आईएलओ को 1969 में नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है। फंक्शंस क्या क्या हैं आईएलओ के, वो हमने बता दिया आपको। डिक्लेरेशन जो 4 पार्ट्स में डिवाइड की गई हैं वो बता दी, और उसमें से 8 कन्वेंशंस कौन कौन से हैं और वो भी हमने बता दिया। इंडिया ने 8 में से 6 कन्वेंशन रेटिफाई कर रखे हैं, वो हमने आपको यहाँ पर बता दिया है। तो दोस्तों ये सब बातें हैं इसमें जो हमें पढ़नी थी। उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने बताया आपको समझ में आएगा आईएलओ के बारे में। आईएलओ में आपको इतना ही पढ़ना है, इसके ऊपर इससे बाहर आईएलओ में आपसे कुछ नहीं पूछने के हैं। एग्जाम के अंदर एमसीक्यूज आपके आराम से सॉल्व हो जाएंगे, अगर आप इतना भी पढ़ के जाते हो आईएलओ के अंदर।
एक क्वेश्चन मतलब ये समझते हैं कि यूपीएससी ईपीएफओ में एक क्वेश्चन फेलो पे आ जाता है, क्योंकि भाई लेबर से रिलेटेड ये संस्था है और ये ईपीएफओ भी एग्ज़ाम जो है फॉर वेलफेयर ऑफ वर्कर्स के लिए ही काम करते हैं। तो दोस्तों अगर अच्छी लगे वीडियो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव वेरी नाइस डे।